इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जयपुर में होंगे। अरविंद केजरीवाल जयपुर में गारंटी कार्ड की घोषणा करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासी खींचतान का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता राजस्थान में जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान टाउन हॉल कार्यक्रम में हिस्सा लेने जयपुर जाएंगे। इस दौरान दोनों नेता राजस्थान की जनता को चुनाव जीतने पर वादे पूरे करने की गारंटी देंगे। उसके ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने 14 राज्य प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी कर दी। केजरीवाल कल हरियाणा के भिवानी में थे, जहां उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि लोग बीजेपी से तंग आकर हरियाणा में अब बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में हर बूथ पर 10-10 लोगों की कमेटी बनेगी। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के 2 लाख पदाधिकारी 15 अक्टूबर तक बन जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हर संस्था बेची जा रही है, सभी एक ही दोस्त को बेच रहे हैं।